बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ को आज हम बनाएंगे। इसके लिए आई एम यूजिंग रेड अल्कोहल इंक ऑफ माराबू एंड आई एम यूजिंग 99% आइसोप्रोपिल अल्कोहल। रोज़ के लिए सबसे पहले मैं अपने पेपर के ऊपर अल्कोहल को डालूँगी। नाउ एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक ओवर इट। अब मैं अपने पेपर को टिल्ट करूँगी ताकि जो इंक है वो स्प्रेड हो जाए। द स्प्रेडिंग शुड बी डन इन सर्कुलर मोशन, कि आपका एक सर्कल क्रिएट हो जाए इंक की स्प्रेडिंग से। अब मुझे कलर कुछ फेडेड सा लग रहा है, सो आई एम एडिंग अनदर टू और थ्री ड्रॉप्स ऑफ इंक, क्योंकि मुझे कंसंट्रेटेड और डार्क कलर की रिक्वायरमेंट है। सो आई एम अगेन टिल्टिंग माई पेपर ताकि सर्कल जो है क्रिएट हो जाए। एंड दिस शुड बी नोटेड कि आपका जितना बड़ा सर्कल होगा उतना ही बड़ा रोज़ होगा, क्योंकि ये वाला सर्कल जो है ये उसकी आउटर मोस्ट पेटल को डिफ़ाइन करेगा कि वो कितनी बड़ी होनी चाहिए। सो नाउ आई एम गोइंग टू Give it some heat. और जो हीट है वो उसके सर्कमफेरेंस पे आपने करनी है। इट शुड नॉट गो इन टू द सर्कल, अदरवाइज इंक जो है वो एक स्प्लैश के साथ बाहर को जंप कर जाएगी। आपने बाहर से उसका जो आउटर मोस्ट एरिया है सर्कल का, उसके इर्द गिर्द आपने अपनी गन को बस घुमाते जाना है। बीच में थोड़ा सा आपने इसको करना है। अब मैं थोड़ा सा दरमियान में कर रही हूँ और बाकी जो है मैं उसके आउटर मोस्ट एरिया पे करूँगी। मिड से करना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि एक लाइन जो है वो आउटर मोस्ट एरिया पे आ जाए और जो आपकी इंक है वो थोड़ा सा मूव करके आउटर एरिया में चली जाए। नाउ आई एम एडिंग सम मोर अल्कोहल टू इट, रिपीटिंग द प्रोसेस, कि मैं मिड में हीट गन को यूज़ कर रही हूँ, हेयर ड्रायर हीट गन को, ताकि जो इंक है वो बाहर की तरफ जाए और एक लाइन को क्रिएट करे, एक बाउंड्री वॉल उसकी क्रिएट करे। पूरा एरिया मैंने ड्राई कर लिया है। नाउ आई एम एडिंग अनदर ड्रॉप ऑफ अल्कोहल इनटू इट, फॉलोड बाय अ ड्रॉप ऑफ इंक and again repeating the same process. फिर से मैं इंक को बाहर की तरफ चलाऊंगी ताकि जो है वो एक नई आउटर एरिया को क्रिएट करे। जहाँ से आपको लगे कि वो उसने बाउंड्री अपनी नहीं क्रिएट की, वहीं पे आपने टिल्ट करके अपनी हेयर ड्रायर को वहाँ पे ले जाना है। द मेन ऑब्जेक्टिव शुड बी कि आपने उसका एक बाउंड्री वॉल क्रिएट करनी है और दैट शुड बी स्मॉलर देन द प्रीवियस बाउंड्री। इफ़ यू फील लाइक कि आपका अल्कोहल जो है वो ड्राई हो रहा है और इंक आपकी काफ़ी कंसंट्रेटेड है, देन यू कैन ऐड सम मोर अल्कोहल टू इट। एडिंग सम मोर alcohol and ink in order to create another petal of rose.
एंड अगेन गिविंग माई हीट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, ताकि एक और सर्कल जो है, एक इनर सर्कल, इनर एंड स्मॉलर सर्कल शुड बी क्रिएटेड. द बेस्ट थिंग अबाउट अल्कोहल इंक्स इज़ कि आपको जब भी लगे कि आपकी एक बाउंड्री जो है वो अच्छी नहीं क्रिएट हुई, तो आप दोबारा से अल्कोहल को डाल के उसको फेड करके एक नई पैटल को क्रिएट कर सकते हैं. सो वेन एवर आई फील लाइक कि मेरी पैटल एक नहीं क्रिएट सही हुई, तो मैं अल्कोहल के एडिशन के बाद जहाँ पर भी मुझे बाउंड्री वॉल चाहिए, मैं अकॉर्डिंगली इंक को मूव कर लूँगी. दिस इज़ अ वेरी डेलिकेट काइंड ऑफ वर्क. आपको बहुत फोकस करके अपने अल्कोहल को ड्रॉप करना है. इन केस अगर आपने आउटर बाउंड्रीज पे मिस्टेकनली एक ड्रॉप भी गिरा दिया, तो वो जो है वो या तो फेड हो जाएगा या वो बिल्कुल वाइप हो जाएगा. सो दिस शुड बी डन विद एक्सट्रीम प्रिसिजन एज वेल एज देर शुड बी नो हरी वाइल यू आर अटेम्प्टिंग दिस.
बहुत पेशेंटली जो है इसकी पैटल्स को क्रिएट करते जाना है. देर इज़ नो शॉर्टकट टू इट, इट टेक्स मैनी आवर्स एंड एवरीथिंग, तब आपका एक पीस जो है वो क्रिएट होता है. सो वर्क विद एक्सट्रीम पेशेंस. Now adding the last drop and finishing my rose, okay, this would be the last boundary that I will be creating. Now my rose is done. I'll be starting leaf now. Leaf बनाने के लिए मैं माराबू की olive green ink को use करूँगी. सबसे पहले मैं एक pencil से leaf को rough sketch कर लूँगी अपने paper पे. This drawing of leaf should be very light, क्योंकि इंक्स जो हैं वो इतनी पिगमेंटेड नहीं होती कि लेड पेंसिल के को हाइड कर सकें. सो इट शुड बी वेरी रफ एंड वेरी लाइट. नाउ आई विल स्टार्ट एडिंग अ लिटिल अमाउंट ऑफ अल्कोहल इनटू द लीफ, ट्राइंग टू शो यू बाय जूमिंग इट. लीफ जो हमने ड्रॉ किया था उसकी बाउंड्री के अंदर अल्कोहल को मैं ऐड करूँगी एंड देन एडिंग सम ऑलिव ग्रीन. अब मैं दोबारा से अपने पेपर को मूव करूँगी ताकि इंक जो है वो लीफ की बाउंड्री में स्ट्रेच हो जाए. एंड एज यू कैन सी कि जो उसकी बाउंड्री वॉल थी उसमें उसको इंक ने कवर कर लिया है. Now I'm using my hair dryer to spread the ink a little bit, ताकि वो जो पूरा leaf है उसको cover up कर ले and there should be no negative space left. Now I'm trying to create another leaf. दोबारा से मैंने leaf की जो shape थी उसके अंदर alcohol के addition के बाद ink को add किया है and then I'm trying to stretch the ink by tilting my paper
अप एंड डाउन, सो माई रोज इज डन अलॉन्ग विद द लीफ.